हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्वागत है आपका फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑन द बोर्ड, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नॉर्सेट 2022 एग्जाम। सो 14वीं या 15वीं जो है हमारा लेक्चर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स भी आप जा करके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं और आगे आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे उनके भी, और बहुत सारी नई नई चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं और वो भी आपको जल्द ही बताई जाएगी। तो आज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें अपने दोस्तों तक वीडियो तक पहुंचाने के लिए, और उनको भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन अब क्या करें, ये बोलना मेरा काम है। बिना बोले आप कुछ करते नहीं हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है। ओके, सो हियर यू कैन सी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पूरी बॉडी के रूट्स है। पहला एक ओवरऑल हम एक जेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किस तरह से दवाई देनी चाहिए, किस तरह से नहीं देनी चाहिए, सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जामिनर बार बार इससे प्रश्न पूछता है। सो नेजल रूट से क्या देते हैं, आप दे सकते हैं ड्रॉप, दे सकते हैं स्प्रे, दे सकते हैं इनहेलेशन से, यानी कि सांस के द्वारा ड्राई पाउडर दे सकते हैं, लिक्विड स्प्रे दे सकते हैं। आपने देखा होगा जो अस्थमा वाले पेशेंट रहते हैं, वो उनके पास इनहेलर्स वगैरह रहते हैं, और स्प्रे आपको पता है नाक में स्प्रे करते हैं, कभी कभी ड्रॉप भी डालते हैं। ओटिक मतलब कान में, टॉपिकल, इंट्रा टिम्पेनिक या इंट्रा ओक्लियर, तो कान के अंदर भी दवाई डालते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद ओक्यूलर मतलब आँखों के अंदर, यहाँ आँख बना देता हूँ, और यहाँ आँख पे क्या बना देते हैं, कान बना देते हैं, ठीक है, और इनहेलेशन में नाक बना देते हैं, ठीक है, नेजल में नाक, और इनहेलेशन में आपका इनहेलेशन में भी नाक से जा रहा है वैसे तो, लेकिन माउथ हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है, जैसे नाक से ये एक तरह से देखा जाए तो, या मुंह से भी बहुत बार होता है, ठीक है, इनहेलेशन तो मुंह से करेंगे, और फिर टॉपिकल हम स्किन पे लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, आँख के अंदर सॉल्यूशन डाल सकते हैं, इमल्शन डाल सकते हैं, सस्पेंशन डाल सकते हैं, ऑइंटमेंट डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं, इम्प्लांट पहन सकते हैं, और इन सारी चीज़ें। चलिए ये सब हो गई रामायण, अगले आगे बढ़ते हैं। टॉपिकली क्या कर सकते हैं, टॉपिकली ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, स्प्रे लगा सकते हैं, पैचेस लगा सकते हैं। चलिए इधर देखते हैं, ओरल की बात करते हैं। ओरल इंक्लूडिंग बकल एंड सब ग्लूटल, इसमें आप टेबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, बकल टेबलेट्स, सबलिंगुअल मतलब जो टंग के नीचे रखते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोग्लिसिन हो गया, मिनी टेबलेट्स हो सकती है, इफेक्टिव इफरवेसेंट टेबलेट, थिन फिल्म्स, मेडिकेटेड गम्स, ग्रेन्यूल्स, लोजेंसन्स, सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, एलिक्सिर और बकल स्प्रे, और पेरेंटल भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आईवी, पेरेंटल का मतलब क्या होता है, आईवी, और पेरेंटल का एक शाब्दिक अर्थ क्या है, पर एंट्रल मतलब जो इंटेस्टाइन है उसको पास कर रहा है, उसको बोलते हैं पेरेंटल। चलिए देखते हैं, सबक्यूटेनस लगा सकते हैं, इंटरवेनस लगा सकते हैं, इंटरडर्म लगा सकते हैं, इंटरमस्कुलर लगा सकते हैं पेरेंटल में, और इधर रेक्टल या वजाइनल तो सपोजिटरी रेक्टली लगा सकते हैं, एनिमा लगा सकते हैं, टेबलेट्स दे सकते हैं, पिसरी, जेल, क्रीम, फोम, स्पॉन्ज आदि इत्यादि मेडिसिन अलग अलग रूट से हम दे सकते हैं। चलिए ये हमने देखा ओवरऑल जेस्ट, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डीप जा करके, गहराई में अध्ययन करते हैं। चलिए सर गहराई में चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट मतलब मुंह से लेने वाला रूट, ठीक है, मुंह से जितनी भी दवाइयाँ हम लेते हैं वो सारी दवाइयाँ कौन सी होती है, कौन सा रूट होता है, वो ओरल रूट होता है। चलिए देखते हैं, ओरल रूट रेफर्स टू टू मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज अप्लाइंग टॉपिकली टू द माउथ,
माउथ के अंदर अप्लाई करना. सेकेंड इज स्वेलोइंग फॉर एब्जॉर्प्शन अलोंग विद द जीआई ट्रैक्ट. ठीक है, या तो हम माउथ के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम माउथ से ले रहे हैं कोई दवाई पानी के साथ या किसी और चीज़ के साथ, जिससे कि वो अंदर जाके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से एब्जॉर्ब हो जाए. तो इस दोनों तरीके से हम यूज़ करते हैं. ये देख लेते हैं आदमी, ये आदमी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि मुँह से दवाई ले रहा है. ठीक है, आप सब ने इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड ऑफ मेडिसिन. दवाई लेने का सबसे कॉमन तरीका कौन सा है? ओरल रूट है बच्चों. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ इससे दी जाती है ना. देख सकते हैं आप, ये आदमी दिख ही रहा होगा, आपने भी बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो ओरल रूट के माध्यम से ली होगी. ओके, सर दर्द हो रहा है तो आपने आइबुप्रोफेन ली होगी, पेट दर्द हो रहा है तो कुछ ली होगी, है ना. अलग अलग चीज़ें होती है. फिर पर ओरल, फ्रॉम द लैटिन पर ओस इज द एब्रीविएशन यूज टू इंडिकेट ओरल रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो पी ओ का मतलब होता है पर ओरल, पर ओस जो कि लैटिन वर्ड है ओरल रूट के लिए. ठीक है, अगर डॉक्टर ने लिखा है कि मतलब कोई भी दवाई लिखी है, ठीक है, डैश 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 और पी ओ मतलब पर ओरल, इसको दवाई को ओरली देना है. ठीक है, सिंपल सी बात है. वैसे टेबलेट लिखा है तो टेबलेट तो ओरली ही देते हैं. चलिए अब एडवांटेजेस के देख लेते हैं. बहुत सारी दवाइयाँ जो ये सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ हो गई आपकी, कैप्सूल हो गए आपका, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अधिकतर दवाइयाँ आपकी ओरली दी जाती है बच्चों. तो चलिए क्या इसके फ़ायदे हैं. कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल, पेन फ्री एंड ईजी टू टेक. जितनी भी दवाइयाँ होती हैं जो ओरली हम लेते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल है, हम खुद ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं. ठीक है, और क्या है, इसमें कोई दर्द नहीं होता. कोई दर्द होता है क्या जब आपने मुंह से कोई भी दवाई ली तो आराम से यहाँ पर रखी, या फिर पहले पानी पिया फिर दवाई को रखा, दवाई तैरती हुई कहाँ चली गई, अंदर चली गई. तो इस तरह से आप ले सकते हैं. ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. पहले लोग क्या करते हैं, पहले दवाई रखते हैं फिर पानी पीते हैं, तो वो कड़वी कड़वी लगती है दवाई. मेरा तरीका आप मानोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा. पहले आप पानी पीना, पानी के ऊपर से दवाई रखना, तो दवाई क्या होगा, जैसे नाव तैरती हुई चली जाती है वैसे ही तैरती हुई चली जाएगी वो, और आपको कड़वा कड़वा नहीं लगेगा. चलिए ये मैंने आपको ज्ञान की बात बता दी. तो ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लो. ठीक है, और गुरु तो है, गुरु का काम ही ज्ञान देना होता है, और अगर आप मुझे गुरु माने तो ज्ञान ले मुझसे. ठीक है, चलिए. एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग विद द होल लेंथ ऑफ जीआईटी. ये जो है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरे जीआईटी सिस्टम से होता है, स्टमक से होता है, इंटेस्टाइन से होता है. ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी हम जगह देखें. मेनली जो होता है वो होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, मेजर जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है बच्चों. उसके अलावा चीप है कंपेयर्ड टू मोस्ट अदर पेरेंटल रूट्स. जितने भी दूसरे रूट्स है उसके बजाय जो दवाई आती है वो चीप आती है, सस्ती आती है. सस्ती आती है, किन्नला नहीं लगाना पड़ता, इंजेक्शन इनके यूज़ नहीं करना पड़ता, आईवी सेट नहीं लगाना पड़ता, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो सस्ती होती है. तो इस तरह से ये सबसे सस्ता तरीका है दवाई देने का. और दवाइयाँ भी सस्ती आती है, आपने देखा होगा 10 रुपये में एक पत्ता आ जाता है पूरा सर दर्द की गोली का. जब भी सर दर्द हो तब खा लो. और एक बार जो है एक आदमी ने सर दर्द की दवाई ऐसे ही खा ली, तो उसकी बीवी ने पूछा कि मेरे पति ने सर दर्द की दवाई खा ली है गलती से, तो उसको क्या करना चाहिए. तो दूसरे आदमी ने बोला कि डॉक्टर ने बोला, एक तरह से कह सकते हैं डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, उसको सर दर्द दे दो, दवाई को क्यों वेस्ट करना. तो पत्नियां सर दर्द देती हैं ऐसा सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ज़माना कहता है. ठीक है, तो मुझे बदनाम ना करें और ज़माने के हिसाब से चलें. ठीक है, सब बातें हैं बच्चों आपके मज़े के लिए हैं, बाकी कुछ नहीं. सही है, सत्य से इनका कुछ वास्ता नहीं है. ठीक है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करें ज़िंदगी में. बाकी सब जो बीवियों के ऊपर मजाक बनाते हैं वो सब मजाक बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, कभी चलता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या नुकसान है ओरल मेडिकेशन, ओरल रूप से मेडिकेशन से देने से. चलिए, फर्स्ट है समटाइम इनअफिशियंट, ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग मे बी एब्जॉर्ब. कुछ पार्ट ऑफ ड्रग ही एब्जॉर्ब हो पाता है बहुत बार,
पूरी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कुछ ड्रग जो है कहीं एब्जॉर्ब हो गई, कहीं उसका वहाँ तक पहुँच नहीं पाई जहाँ तक हम उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहते थे, और या फिर कहीं एक्सक्रीट हो गई, है ना, बहुत सारी ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है। उसके अलावा उसका अपघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, जैसे स्टमक के अंदर बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा उसका थोड़ा अपघटन हो जाता है, उसको सोख लिया जाता है कह सकते हैं। तो ये बुरी बात है। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है? ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड ओरली आर इनिशियली ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वाया पोर्टल वेन। ठीक है, पहले क्या होता है, लीवर के पास चली जाती है ड्रग, लीवर से फिर पोर्टल वेन में जाती है, ठीक है, सॉरी पोर्टल वेन से लीवर में जाती है, फिर लीवर से पूरी बॉडी में जाती है। तो लीवर पहले उसका मेटाबोलाइज कर देता है, तो मेटाबोलाइज करने के बाद हो सकता है वो जो है उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं रहे जो हमने दी थी बाहर से। फिर इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, नोजिया, वोमिटिंग, ये क्या करती हैं दवाएँ, बहुत सारी दवाइयाँ क्या करती हैं, इरिटेट करती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, और उससे नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। आपने देखा होगा जब आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी, तो फार्माकोलॉजी में जो साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आपने देखे होंगे उसके अंदर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, दीज आर द यूनिवर्सल, यू कैन से यूनिवर्सल साइड इफेक्ट्स, किसी में भी डाल लो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होता है? तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है कौन? आपका जो ड्रग्स हैं वो, ऑरल मेडिकेशंस। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस है एक। चलिए फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है देख लेते हैं। द फर्स्ट पास इफेक्ट इज अ टर्म यूज फॉर द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अ फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड डिलीवर्ड टू द लीवर वाया द पोर्टल सर्कुलेशन। द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट द लेस द एजेंट विल रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन व्हेन द एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई भी फार्माकोलॉजिकल एजेंट हमने लिया और वो इंटेस्टाइन के थ्रू लीवर से चला जाएगा, लीवर के अंदर जाके फिर वो बाद में जहाँ पर जाएगा, तो जितना ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, है ना, पहले लीवर के पास चला जाएगी जितनी ड्रग, उतना कम इफेक्ट उसका आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने समझा, फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ओरल डोजेज फॉर्म्स, ओरल डोजेज फॉर्म्स किस तरह से हो सकती है? कॉमन डोज फॉर्म्स ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आर टेबलेट्स, टेबलेट्स जो हैं आप ओरली दे सकते हैं, सही बात है, कैप्सूल्स यहाँ पर लिखा है, कैप्सूल्स, और फिर लिखा है लिक्विड्स, लिक्विड्स दे सकते हैं, सॉल्यूशंस दे सकते हैं, सस्पेंशन दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं, अलग अलग सिरप, कफ सिरप, ये सिरप, वो सिरप देते ही हैं, एलिक्सिर्स दे सकते हैं। चलिए ये हमने देखा, अब हमारा दूसरा रूट आ गया है। दूसरा रूट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है सब लिंगुअल रूट। सब लिंगुअल रूट का मतलब है कि पुट द ड्रग अंडर द टंग, ये टंग है आपकी और टंग के नीचे ड्रग को रखना क्या कहलाता है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों डायग्राम में कि एक पर्सन ने टंग के नीचे ड्रग को रखा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं हम, दिस इज सबलिंगुअल रूट। सो द थिंग इज व्हेन देयर इज डोजेस फॉर्म्स इज प्लेस्ड अंडर द टंग, ठीक है, रैपिडली एब्जॉर्ब बाय सबलिंगुअल म्यूकोसा, जो सबलिंगुअल म्यूकोसा होती है उसके द्वारा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर पूछे एग्जाम्पल तो हम कहेंगे एनटीजी या ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, टीएनजी, एनटीजी, जो भी आप बोले, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग देते हैं आपके एंजाइना पेक्टोरिस में, वेरी गुड, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एंजाइना, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एंजाइना, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखें आप, और सबको आता है वैसे ये तो अच्छी बात है, आपको भी आना चाहिए, जो सबको आता है वो फिर आपको नहीं आता तो फिर अच्छी बात नहीं है। वापस से फर्स्ट पास इफेक्ट आ गया, ये जीआईटी में है, जीआईटी में कोई दवाई जा रही है और पोर्टल वेंस इसको वहाँ से खींच लेगी, लीवर में ले लेगी और फिर ब्लड में भेज देगी, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम से ध्यान से देख लीजिए बच्चों, और हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा कि क्या होता है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इट इज़ क्लियरली विजिबल थ्रू अ डायग्राम दैट वॉट इज फर्स्ट क्लास मेटाबोलिज्म, जी आई टी से पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के अंदर जा रही दवाई और फिर जनरल सर्कुलेशन में जा रही। उसके बाद सिस्टेमिक या पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटल?
पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाई मीन्स ऑफ अ नीडल और कैथेटर इंसर्टेड इनटू द बॉडी। एक कैथेटर जो है वो हमने बॉडी के इंसर्ट किया है, उसके थ्रू इंजेक्शन से या इन्फ्यूजन से कोई भी दवाई देना कहलाता है पेरेंटल। या पेरेंटल का मतलब होता है पर एंटल, इसका मीनिंग क्या होता है पर एंटल, दो से मिलकर बना हुआ है एंटल। पर एंटल का मतलब होता है कि जो आपकी जीआईटी ट्रैक्ट है उसको छोड़ करके, इसको एस्केप करके जो दवाई जा रही है शरीर के अंदर, तो वो क्या है पेरेंटल रूट है। कैसे जा रही है दवाई जीआईटी को एस्केप करके? आपने आईवी लगाया, आईवी जाएगा हार्ट के अंदर पहले, फिर हार्ट से पूरी जगह फ्लिप फ्लो पूरी जगह फैल जाएगा, एरोटा से पंप होगा, ठीक है। तो पूरी बॉडी में चली गई ड्रग, लेकिन जीआईटी में जाएगी, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होंगे लेकिन पूरी बॉडी में जाएगी वो ड्रग, तो एस्केप कर जाएगी जीआईटी को, ठीक है। तो द टर्म पेरेंटल कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पेरा मीन्स आउटसाइड, ये बात मैंने अब बताई आपको, वही है रामाया, पेरा मीन्स आउटसाइड, एंटर मीन्स इनसाइड, ठीक है। दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द एलिमेंट्री कैनाल, इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जीआईटी को बाईपास करना, और साइड में आपको इंजेक्शन दिख रहा होगा, इस इंजेक्शन को भी आप याद रखें, ठीक है। इंजेक्शन आप बहुत सारा लगाते हैं बच्चों को और पेशेंट्स को, ठीक है। रेक्टल रूट, चलिए अब रेक्टल रूट के बारे में बात करते हैं, उसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। रेक्टल रूट में जैसे सपोजिट दे सकते हैं, एनिमा दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर एस्पिरिन है, थियोफाइरिन है, क्लोरफ्रोमाजीन है, और एडवांटेजेस क्या है, बच्चों में यूज़ की जा सकती है, ठीक है। और थोड़ा सा ये इसमें स्लाइड में प्रॉब्लम है, तो इसमें आप देख लें, यूज इन चिल्ड्रन, ठीक है, लिख देता हूँ मैं ऊपर, यूज इन चिल्ड्रन, लिटल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था यानी कि लीवर के अंदर जो ड्रग जा रही थी वो यहाँ पर नहीं जाएगी, ठीक है। यूज इन वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग हो रही है किसी को तो यूज़ कर सकते हैं। हायर ये तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। हायर कंसेंट्रेशन, हाँ हायर कंसेंट्रेशन इज एब्सॉर्ब्ड अचीव्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग जाएगी, तो ये क्या है इसके फायदे हैं, एनिमा दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, वो डायग्राम भी है, लेकिन ये बीच में आ गया है इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, चलिए माफी चाहते हैं उसके लिए, आगे से ध्यान रखा जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या नुकसान है, इनकन्वीनियंट है ना, थोड़ा प्राइवेसी की दिक्कत रहती है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरेटिक, एब्जॉर्प्शन क्या है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा में आकर, रेक्टल म्यूकोजा का इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो सकता है इस रूट के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कहाँ का नहीं देना, ये मैं आपको बता दूँ, तो एक पेशेंट रेक्टल रूट कहाँ यूज़ नहीं करना है, एक पेशेंट जिसको डायरिया है तो कभी यूज़ नहीं करेंगे अपन, है ना। और उसके अलावा एक जो डेड पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट मरा हुआ है उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप रेक्टल रूट को, है ना। दवाई देने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। उसके अलावा डायरिया का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, अगर किसी को कैंसर है लोअर जीआईटी का या रेक्टल का, उसमें भी ये जो है रूट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बकल रूट, ठीक है। बकल रूट मतलब आपके बकल म्यूकोज़ा में रखना, एडवांटेजेस क्या है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रैपिड एब्जॉर्प्शन, ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग स्टेबिलिटी होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, है ना, और जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। चलिए क्या इसके नुकसान है, डिसएडवांटेजेस हैं, इनकन्वीनियंट है ना। एडवांटेजेस लॉस्ट इफ स्वलोड, अगर किसी ने गटक लिया, बोला यहाँ पे रख लो दवाई को, गटक लिया भाई साहब ने, तो सारे एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस में बदल जाएंगे। स्मॉल डोज लिमिट, कम ही डोज हम इस दवाई की दे सकते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल हमने देख लिया है, इकोनॉमिक, हाँ एडवांटेजेस देखे हुए हैं, तो सबलिंगुअल एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिक है वो, क्विक टर्मिनेशन है यानी कि कम खर्चा आएगा अगर आप सबलिंगुअल रूट से दे रहे हैं, तो
और डेफिनेटली क्विक टर्मिनेशन, जल्दी से हम दवाई को निकालना चाहते निकाल सकते हैं, फर्स्ट पास अवॉइड हो जाता है, लीवर के पास नहीं जाएगी ड्रग, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक, जल्दी से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या नुकसान है, तो नुकसान हम देखते हैं कि अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग्स, ठीक है, कड़वी ड्रग्स होती है तो उनको रखना मुश्किल होता है, इरिटेट करती है ओरल म्यूकोजा को, लार्ज क्वांटिटीज नहीं दे सकते और कुछ ही ड्रग एब्जॉर्ब होती है, सारी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी सबलिंगुअल रूट से, है ना, कुछ ही ड्रग जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन और जो एब्जॉर्ब होने वाली होती है वही होती है, सब नहीं होती। चलिए अब आ गया है आपका फेवरेट रूट, एग्जामिनर का फेवरेट रूट, पेरेंटल रूट। क्या होता है पेरेंटल, हमने देख लिया है, पेरेंटल बहुत तरीके से खास हो सकता है, आपका इंजेक्टेबल्स, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रसबक्यूटेनियस, आपका इंट्रा आर्टेरियल, आपका इंट्रा आर्टिकुलर, आपका इंट्राथिकल, इंट्राडर्मल आदि इत्यादि, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रग्स के रूट जो है हम देखने वाले हैं, इनहेलेशन भी इसके अंदर आएगा, तो आप साथ बनाए रखिए, आगे बढ़ते चलते हैं, और ज़्यादा लंबा हो गया तो हम दो क्लासेस में करके इसको देखेंगे, ठीक है, तो दो क्लासेस में देखना पड़ेगा, बहुत लंबी क्लास से। चलिए बकल रूट, बकल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोजेस फॉर्म इज प्लेस बिटवीन, ये अलग अलग थोड़ी सी साइट्स सही नहीं आ रही है ना, बकल रूट के वो एडवांटेज पहले आ गए, इज प्लेस बिटवीन गम्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ द चिक, ठीक है, यहाँ पर गम्स और जो चिक की लाइनिंग है उसके बीच में रखा जाता है, जस्ट सप्लाइड आफ्टर 1 आवर, ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स, तो उसके अंदर रखते हैं इस तरह से, तो वहाँ से फिर एब्जॉर्ब होती है, और फिर बकल पाउच एब्जॉर्ब बाय बकल म्यूकोजा, बकल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, यानी कि जो आपके लिप और दांत के बीच की जगह है वहाँ पर रखते हैं। चलिए इंट्रावेनस आ गया फाइनली, इंट्रावेनस के क्या एडवांटेजेस हैं, इंटरवेनस की सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस है वो है कि बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ड्रग की 100% रहती है ना, उसके अलावा डिजर्व ब्लड कंसंट्रेशन अचीव्ड, जो हमें ब्लड कंसंट्रेशन चाहिए वो आ जाती है, लार्ज क्वांटिटीज में हम ड्रग्स दे सकते हैं, बहुत सारी ड्रग्स एक साथ दे सकते हैं आईवी रूट से, अच्छी बात है, वोमिटिंग एंड डायरिया में भी दे सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में दे सकते हैं, फर्स्ट पास अवॉइड हो जाता है, जी हाँ अवॉइड हो जाता है, गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन अवॉइडेड, तो जो गैस्ट्रिक मुकोजा को जो इरिटेट कर रही थी वो ड्रग्स, वो इरिटेशन नहीं होगा, बायो अवेलेबिलिटी 100% रहेगी, जितनी ड्रग हम दे रहे हैं उतनी ड्रग ही शरीर के उपयोग के लिए रहेगी, है ना, दूसरे रूट में बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है, जैसे ओरल रूट में, इन सब में बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है, आईवी रूट में 100% है। सो द थिंग इज, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, उसके बाद क्या क्या नुकसान है, इरिटेशन एंड सेलुलाइटिस, ठीक है, इरिटेशन कर सकती है, सेलुलाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आपने देखा होगा कि किसी को कैनुला लगाते हैं तो ऐसा हाथ हो जाता है ना, ऊपर आपको हाथ दिख रहा होगा, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इस तरह से देखने को मिलता है, स्किन वहाँ की काली हो जाती है। फिर रिपीटेड इंजेक्शन ऑलवेज नॉट फिजिबल, बार बार इंजेक्शन लगाना हमेशा अच्छा नहीं रहता है, और लेस सेफ, इतना सेफ नहीं है, टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट आदमी की जरूरत होगी, कोई इंसान ऐसा नहीं घर पे कैनुला लगा के और घर पे ही खुद ही खुद का कैनुला खुद ही लगा के और इलाज कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तो जो टेक्निकल पर्सन है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डेंजर ऑफ इन्फेक्शन, और एक्सपेंसिव है, महंगा भी है, सही बात है, इन्फेक्शन का डर इसलिए क्योंकि हम इंजेक्शन वहाँ पे कैनुला वगैरह लगा रहे हैं तो एक तरह से बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको एक मौका मिल रहा है अंदर आने का, तो ऐसा होगा। फिर एक्सपेंसिव है, महंगा तो है ही सही, लेस कन्वीनियंट एंड पेनफुल, कन्वीनियंस इसमें कम है, ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और पेनफुल भी है, दर्द भी इसमें होगा, तो चलिए दर्द नहीं करते हैं आपका। अगला देखते हैं सबक्यूटेनियस रूट, और सबक्यूटेनियस रूट है इसमें क्या करते हैं आप देख सकते हो, उधर इंजेक्टेड अंडर द स्किन दवाई, जब हम इंजेक्शन को किसी भी तरह से स्किन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, कौन सी जगह पर, सबक्यूटेनियस जो आपकी लाइनिंग है वहाँ पर अगर हम उसको इम्प्लांट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, सबक्यूटेनियस रूट। और एब्जॉर्प्शन इज स्लो, सक्शन इज प्रोलॉन्ज्ड, यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो धीरे धीरे रहेगा, लेकिन एक्शन जो है ज़्यादा समय तक रह सकता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर
इम्प्लांट अ टेबलेट और पोरस कैप्सूल इज इंसर्टेड इनटू द लूज टिश्यूज बाय इंसर्शन ऑफ द स्किन बाय विच दे कैन स्टिच्ड अप। ठीक है, कुछ हॉर्मोनल्स वगैरह, कुछ हॉर्मोनल्स जो होती हैं, हॉर्मोन्स को हम क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं और वो वहाँ से एब्जॉर्ब होते रहते हैं धीरे धीरे। ये भी ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली सबक्यूटेनियसली हम एडमिनिस्टर करते हैं वो क्या है आपका प्यारा इंसुलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक है, रेयरली यूज़ किया जाता है इंट्रा आर्टेरियल ट्रक रूट को, बहुत रेयर यूज़ किया जाता है क्योंकि आर्टरी के अंदर इतना बैक फ्लो होता है कि कुछ तो क्या करेंगे, बाहर आ जाएगा वहाँ से। तो रेयरली यूज्ड एंटी कैंसर ड्रग्स आर गिवन फॉर लोकलाइज इफेक्ट, एंटी कैंसर ड्रग को दे सकते हैं एक स्पेसिफिक जगह पर इफेक्ट लाने के लिए। ड्रग यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कोई ड्रग हम दे रहे हैं तो वो भी इससे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रा आर्टेरियल इज लेस यूज, ओके। नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। यू कैन सी हियर इंट्रा आर्टिकुलर कहाँ दे रहे हैं, आपके ज्वाइंट में दे रहे हैं। तो इंजेक्शंस और एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इन इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैविटीज बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, जॉइंट की जो कैविटी है उसके अंदर लगाया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, एग्जाम्पल हाइड्रोकोर्टिसोन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन इस तरह से लगाया जाता है, ये आपका एक जॉइंट है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, द पिक्चर इज ऑन द बोर्ड। तो वहाँ पर जो है आप इस तरह का इंजेक्शन लगा सकते हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होता है कि बच्चों आराम मिल जाता है, जो तकलीफ इंसान को हो रही है उससे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट, चलो ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड रूट ऑफ मेडिकेशन है, और फास्टेस्ट लेटरलिस मसल में लगाते हैं बच्चों के अंदर, और बड़ों के अंदर ग्लूटियल मसल में लगाते हैं, वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है। तो वेंट्रोग्लूटियल और फास्टेस्ट लेटरलिस याद रखें आप, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल पे लगाना है, और देखते हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस हैं आईएम रूट के, एब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म, ठीक है, सब जगह बराबर एब्जॉर्प्शन होता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जल्दी एक्शन हो जाता है इसका। माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी गिवन, जो थोड़ा बहुत इरिटेट करती है वो भी दे सकते हैं। फर्स्ट पास अवॉइड हो जाता है, आप लीवर के पास नहीं जाना पड़ेगा ड्रग को। गैस्ट्रिक फैक्टर्स कैन बी अवॉइडेड, जो गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, अच्छी बात है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन, सिर्फ 10 ml तक की ड्रग दे सकते हैं, 5 ml ही आप मान के चले, ठीक है, मौजवी में तो 3 ml दिया हुआ है ना, तो आप फिर भी 5 ml तक दे सकते हैं, 5 ml इज द राइट आंसर। और लोकल पेन एंड एब्सेस, ठीक है, लोकल पेन हो सकता है, एब्सेंस हो सकता है, महंगी है, इन्फेक्शन हो सकता है, और यहाँ तक कि नर्व डैमेज भी हो सकता है, ठीक, नर्व डैमेज होने के चांसेस भी यहाँ पर रहते हैं। तो वेंट्रोग्लूटियल और फास्टेस लेटरलिस दो साइट है, आप याद रखें। चलो सबक्यूटेनियस वापस आ गया है, उल्टा उल्टा चल रहा है मुझे लग रहा है, मिक्स है स्लाइड्स। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्टेड अंडर द स्किन, ठीक है, कोई बात नहीं, मिक्स पढ़ लेते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्टेड अंडर द स्किन, स्किन के अंदर हम लगाएंगे। एब्जॉर्प्शन इज स्लो सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग, ये तो देख लिया शायद। अ टेबलेट और पोरस इम्प्लांट, ये देख लिया है, और बार बार क्यों आ रहा है। इंट्राडर्मल ड्रग इज गिवन विद इन स्किन लेयर्स, ठीक है, जो डर्मिस लेयर है उसमें देते हैं, 15 डिग्री के एंगल पे देते हैं, और इंट्राडर्मल से जो आपका मोंटेक्स टेस्ट है वो इंट्राडर्मली किया जाता है। जितनी भी ड्रग्स का सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना है तो आपके इंट्राडर्मली रूट से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ड्रग इज गिवन विद इन द स्किन लेयर्स, डर्मिस पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा, मेनली यूज फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी टू ड्रग्स, जैसे लिनोकेन हो गया आपका, पेनिसिलिन हो गया, एंटी टिटनस सीरम हो गया, उन सब के लिए ऐसे लगाया जाता है। फिर वहाँ पर स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो सब इस तरह से देखा जाता है, तो वो देखते हैं। फिर इनोकुलेशन, इनोकुलेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, तो उसको इनोकुलेशन बोलते हैं, लाइक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद है टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग के, नोज ईयर लंग्स। चलिए जो टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम जो है इंट्राडर्मल रूट्स पे ही फोकस कर रहे हैं, कदम कर रहे हैं। तो इसको जो है 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात, 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है इंट्राडर्मल रूट्स को, और जो मोंटेक्स टेस्ट है उसको इस तरह से किया जाता है। और जितनी भी सारी ड्रग्स हैं, ड्रग्स को अगर टेस्ट करना हो
तो टेस्ट करने के लिए हम यही रूट यूज़ करते हैं बच्चों। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।